चांदनी चौक में काफ़ी हमारे देश के, भारत देश के कई राज्यों से जनता आती है। हमारे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैं बात करने आया हूँ। तो आइए बात करते हैं कुछ बाहर के प्रदेशों से आई हुई जनता से कि 2024 में वो किसे वोट देंगे, या मोदी को चाहते हैं, या राहुल गांधी को चाहते हैं, या अदर किसी को चाहते हैं। आप ये, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? देखिए, मैं बंथला से आया हूँ। मेरा नाम आदित्य त्यागी है। आप 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, आप किसे सपोर्ट करेंगे और किसकी सरकार चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा क्यों कि बीजेपी की सरकार दोबारा से चाहिए, ऐसा क्या किया है बीजेपी ने? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा किया है, आप देख सकते हैं यहाँ कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी बात, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी एक ऐसी सरकार आई है जिसने हिंदुओं का साथ दिया है। क्या 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्या कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं का साथ नहीं दिया? देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट का एक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि भारत के अधिकारों पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, भारत के रिसोर्सेज पे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने ये भी कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय का हक है, मगर सारे हक उनके लिए नहीं मिले, अदर हिंदुओं के लिए मिले, अदर कास्ट को भी मिले। कांग्रेस ने वर्क बोर्ड भी तो बनवाया था, भारतीय रेलवे और भारतीय डिफेंस के बाद तीसरा सबसे बड़ी जिसके पास प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड ही है, मुस्लिमों का जो है वक्फ बोर्ड है। तो जिस तरह मुसलमानों में एका है, उस तरह हमारे हिंदुओं में एका क्यों नहीं? हिंदुओं की गलती है वो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप मानते हो कि हम हिंदुओं की वजह से अल्पसंख्यक समुदाय बहुत आगे है? मानता हूँ मैं। आंटी, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? बंथला से, रेनू। 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए और किसे वोट करेंगे? बीजेपी। ऐसा क्यों कि बीजेपी ही कोई आए और बीजेपी को वोट करेंगे आप? उन्होंने काम किया है। ऐसा क्या काम किया है? अब काम किया है, मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया है, और भी आप देख ही रहे हो देश में तरक्की करी है। राम मंदिर कोर्ट के आदेशों से बना है, ना कि बीजेपी ने बनवाया है, और जो भी राम मंदिर बन रहा है तो पब्लिक के और आम जनता के फंड से बन रहा है। लेकिन उन्होंने बीच में इतने सालों के बाद उनकी सरकार ने ही तो इतना वो सपोर्ट किया कि राम मंदिर बनाए, अब से पहले क्यों नहीं बना? 2007 में कांग्रेस ने, अगर राम मंदिर बनाए है ना, अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती तो हमारी सरकार, हमारे देश पर और आम जनता पर, हमारे हिंदू भाइयों पर क्या असर पड़ेगा? बहुत पीछे हो जाएंगे देश में, बहुत पीछे चला जाएंगे। ना हमारे हिंदू भाइयों पड़े, ना मुस्लिम भाइयों पे, असर हमारे देश पे पड़ेगा। ठीक है, जो प्रगति से काम चल रहा है देश में वो रुक जाएगा, उसकी गति रुक जाएगी। क्या 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो विकास या देश की गति रुकी हुई थी? कांग्रेस की सरकार ने काम किया है लेकिन इस गति से काम नहीं करा। आज की जो जनरेशन है, जो आज का पढ़ाई का सिस्टम है, जो नीतियां हैं, वो लोगों को दिख रही हैं। आप चांदनी चौक को देखिए, सामने हम खड़े हैं, आप किस तरह से लोग आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, या कैसा माहौल रहता था उस टाइम। दिल्ली के अंदर घूमिए, बाहर जाइए, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, तो गर्व महसूस होता है। ये 2014 से पहले क्या काम नहीं हुआ था, ये कहना चाहते हैं आप? 2014 से पहले काम हुआ था लेकिन इस गति से काम नहीं हुआ जो अब है। देश के प्रति जो मोदी जी की सोच है और जिस तरह के उनके विचार हैं वो दिखते हैं, धरातल पे दिखते हैं, उस टाइम नहीं दिखते थे। कुछ पार्टियों का ये कहना है कि मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, किसान विरोधी हैं, शिक्षा विरोधी हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है जी, मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये सिर्फ एक राजनीतिक सोच है, क्योंकि अगर सरकारी योजनाएं आई हैं, इतने सबको लाभ मिला है, चाहे उज्ज्वल ले लो, गैस कल, कोई भी योजना ले लो, सबको मिला है। ये सिर्फ आयुष्मान कार्ड है, अभी हमारी फैमिली में किसी का हमने ऑपरेशन करवाया, प्रैक्टिकल मैंने देखा, आयुष्मान कार्ड पे हमारे मुस्लिम भाई ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट है और प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने करवाया है। तो आप मानते हैं कि मोदी जी का जो कहना है सबका साथ सबका विकास, वो सही है? बिल्कुल है जी, सबका साथ सबका विकास है, खाली एक राजनीति प्रोपेगेंडा चल रहा है, सोच है अपनी, बाकी रिजल्ट अब सामने है, अब आई जाएगा। राहुल गांधी जी का दूसरा नाम क्या है? राहुल गांधी का दूसरा नाम फिरोज खान है। नहीं, और भी लोग कहते हैं पप्पू कहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? चांदनी चौक, दिल्ली। और 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, आप क्या चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी की सरकार आए, अदर किसी गवर्नमेंट आए? नहीं सर, फिलहाल तो मोदी जी को ही आना चाहिए।
ऐसा क्यों, मोदी जी ने क्या किया है कि मोदी जी को ही आना चाहिए? काम बहुत किए हैं, और सबसे बड़ी बात है जो देश हित के काम और कर हुए हैं वो पहले हैं, कोई धर्म की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। मंदिर है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन इसी पीरियड में क्यों बना, 65 साल में या 60 साल में क्यों नहीं बना? कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। एक बात बताइए, कोविड पीरियड में जो एक पैंडेमिक था उसमें क्या वैक्सीन सिर्फ रहमान को नहीं लगी या सुरेश को लगी, या महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना आई रेशमा के घर में नहीं पहुंची या सिर्फ सुनीता के घर में पहुंची? महिलाओं के लिए जनधन खाते में जो एक 500 रुपये की राशि, मैं 500 रुपये कोई बढ़िया राशि नहीं है लेकिन पहुँची सबके खातों में। जैसे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में एक हिंदू बहन के साथ उसका बलात्कार करके, उसका मर्डर करके डाल दिया गया। हाँ। सारे सेकुलर नेता अपना ढोल पीट रहे हैं, रो रहे हैं। अगर यही बात कोई बीजेपी शासित राज्य में होती है तो ढोल पीटते रोते, मगर कर्नाटक में ये हुआ, वहाँ पर कांग्रेस सरकार है, किसी भी सेकुलरवादी नेता ने उस बहन के लिए एक लफ्ज नहीं निकाला, ऐसा दोगलापन क्यों? तो आप ये देखिए, एक मैं मणिपुर की बात करूँगा, केवल एक मणिपुर के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में 2-3 महीने से 4 महीने से जो भी पोजीशन है या थी, क्योंकि वहाँ पे भाजपा शासित प्रदेश है वो, ठीक है, और जो भी दिल्ली के अंदर पांडव नगर में 4 साल की बच्ची के साथ जो एक हादसा हुआ जिसमें 4 मुस्लिम व्यक्तियों ने उस 4 साल की बच्ची के साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी की जुबान नहीं निकली, संदेश खाली पे किसी की जुबान नहीं निकलती। हमारे हिंदुस्तान में एक सेकुलर गैंग है बहुत बड़ा, जो अगर बीजेपी शासित राज्य में किसी हिंदू बहन के साथ कोई अत्याचार होता है तो रोते हैं, माथा पीटते हैं। अगर यही बात किसी अन्य में हो तो कोई मुंह नहीं खोलते, उनके मुंह में दही जम जाता है, ऐसा क्यों, दोगलापन क्यों है? ये दोगली राजनीति तो शुरू से चलती आ रही है। तो मानते हैं कि हमारे सेकुलर गैंग दोगला है? बिल्कुल दोगला है। पप्पू का दूसरा नाम क्या है? पप्पू का दूसरा नाम तो राहुल गांधी है। आप मानते हैं राहुल गांधी पप्पू हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन वो उन्होंने भी कई बार कहा है कि मैं पप्पू हूँ। क्या राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? उनके अंदर गट्स क्या हैं कि केवल वो एक राजनीतिक खानदान से आते हैं, पुराने जो उनके दादा परदादा या उनकी माँ या उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं तो उसके व्याप पे बनेंगे। हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है। जैसे कि कई सेकुलर नेता, एक PFI आतंकवादी संगठन है, उसका दूसरा पॉलिटिकल संगठन है CFI, सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन सेकुलर नेताओं को PFI को और CFI को सपोर्ट करना चाहिए देश हित में? नहीं करना चाहिए, वो देश हित में कहाँ से कर रहे हैं, वो देश विरोधी कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि अभी कन्हैया कुमार को टिकट किस व्यापार पर दिया है, ठीक है, उसके कहते हैं कि उसने नारे नहीं लगाए, लेकिन पीछे तो खड़ा था ना, सपोर्ट तो कर रहा था। उसके साथ तो शैलजा भी खड़ी हुई थी, आज BJP ज्वाइन कर रही, क्या वो अब राष्ट्रवादी हो गई? नहीं होनी चाहिए, कि BJP ऐसी वॉशिंग मशीन है, जो BJP में आते ही सब साफ हो जाते हैं वॉशिंग पाउडर निर्वाह की तरह। जो भी भाजपा में आए हैं अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनके केस विड्रॉल नहीं हुए हैं, उनको क्लीन चिट नहीं दिया किसी ने भी, ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ना ED ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। नहीं, भाजपा नेता अपने आप को दूध का दलहा मानते हैं, क्या वो सही है? नहीं, जो भाजपा में आ गया इसका मतलब वो क्लीन चिट नहीं है। तो मानते हैं भाजपा में भी भ्रष्ट और करप्ट नेता हैं? बिल्कुल है, मैं हर पार्टी में है। अब एक बात, भाजपा में, हाँ मैं कह रहा हूँ हर पार्टी में है। फिर भाजपा में आने के बाद वॉशिंग पाउडर निर्मा की तरह साफ हो जाते हैं? मैंने तो नहीं कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा उनके ऊपर केस चल रहे हैं, केस विड्रॉल नहीं हुए उनके, अब पूरी बात सुनिए। तो मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी भाजपा? बिल्कुल करेगी, अगर नहीं करनी होती तो केस वापस हो जाते। आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, उनको लेकर आप हमारे देश में, आप तीसरी बार किसकी सरकार चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं या अदर किसी को चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में काम लोगों के अच्छे थे और BJP सरकार में काम नहीं है 2014 से। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हिंदू बहनों के साथ, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस से इतना प्यार क्यों? कांग्रेस से इतना प्यार यूँ है इसलिए कि लोगों के पास रोजगार है, और BJP सरकार में तो सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं BJP सरकार में। जैसे कि कर्नाटक में अभी एक हिंदू बहन के साथ बलात्कार हुआ, किसी भी सेकुलर नेता ने मुंह नहीं खोला। अगर यही बात
किसी बीजेपी शासित राज्य में होती तो सारे सेकुलर नेता माथापच्ची कर रहे होते, क्या ये दोगलापन नहीं है? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को ही बोलना चाहिए, जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोले तो और दूसरा कहाँ से बोलेगा? नहीं, प्रधानमंत्री ने तो अब कल का बयान देखो, जांच की मांग की, जांच के लिए आदेश दिए हैं। कब की बात कब करी है, जब जरूरत है जब तो करी नहीं। ये परसों हुआ है कर्नाटक में भाई जी। सब इससे पहले कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कौन से किस मुद्दे पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोले हैं बताइए आप, बोले हैं कि कांग्रेस सरकार में एक बकफोड़ बना जी, बना कांग्रेस सरकार में 1984 का दंगा हुआ, जो हमारे सनातन धर्म के सिख संरक्षक हैं, एक रक्षक थे, उन पर निर्मम हत्या हुई, उसके बाद भी कांग्रेस चाहिए आपको? बिल्कुल भाई, सब लोग चाहे वो सिख समुदाय हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब चाहते हैं कि सब एक साथ मिलजुल कर रहें, एक साथ प्यार से। हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो किसी को भी नहीं चाहिए। क्या 1947 से पहले ना कांग्रेस थे ना बीजेपी थी, उसके बाद भी हिंदू मुसलमान हुई? कितनी मुसलमान हुई इस 2014 से लेकर अब तक? सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान हो रही है। जब देश आजाद हुआ था जी, लाखों की संख्या में जी हिंदू महिलाओं की, हिंदू भाइयों की लाशें आई थी ट्रेन में कट के, काट पीट के जी, उस टाइम क्या बीजेपी थी? तो एक बात बताइए, मतलब पुरानी बातों को याद करके वोट मांगेंगे या अपने 2014 से अपने क्या किया है उसके बारे में वोट मांगेंगे? आपने कहा कांग्रेस ने हमारे सनातन धर्म के रक्षक थे सिख समुदाय, उसके ऊपर इतना अत्याचार किया, कोई किसी भी कांग्रेस नेता ने माफी मांगी आज तक? बीजेपी वालों ने माफी मांगी? बीजेपी ने SIT बिठाई, जांच गठित कराई? कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। जो युवा नौजवान घूम रहे हैं उनको नौकरियां चाहिए। जो आज बेरोजगार हैं वो 2014 से क्या DM बने हुए थे या अडानी या अंबानी थे, मुझे बताएं? पहले से आप उठा के देख लीजिए रोजगार कितना बढ़ा है या घटा है 2014 से, आप खुद बताइए। पहले से आप ये देखो कि हमारे अन्य देशों में हमारे देश का कितना नाम रोशन हुआ है। आप पहले मुझे ये, जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, आप पत्रकार हैं, आप मुझे ये बताइए 2014 से पहले बेरोजगारी थी या 2014 के बाद से बेरोजगारी ज़्यादा है? 70 साल का कैंसर 10 साल में ख़त्म नहीं होता। 70 साल में अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर भी उसे टाइम लगाता है, ये तो जानते होंगे आप। तो 10 साल कांग्रेस को आने दीजिए, फिर देख लीजिए कितना क्या होता है। 70 और 10 मिला के 80 हो जाएंगे, फिर और कैंसर बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा अगर इन्हें और 5 साल गुजार दोगे तो पता चला बिल्कुल ही, जो है ना, जो 80 करोड़ राशन में जी रहे हैं ना, और पूरे के पूरे हो जाएंगे राशन, 5 किलो राशन में। देश को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। मानते हो कि बीजेपी सरकार ने रोजगार खत्म किया है? बिल्कुल किया है, बेरोजगार खत्म किया है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा हुई है। किसी भी हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, किसी को चाहिए हिंदू मुसलमान, किसी को नहीं चाहिए। क्या आप कितने पढ़े लिखे हैं? 8वें पढ़े लिखे हैं जी। देखो तो 2014 से पहले कोई को मना नहीं क्या करता है। बहुत लोग अपने आप को काफी बिजनेसमैन समझते थे जो आज बेरोजगार है। बेरोजगारी घटी है, जो मीडियम क्लास के जो लोग थे, जो छोटे मोटे काम किया करते थे, उनके रोजगार बिल्कुल बंद हो गए। जो पैसे वाले हैं वो और पैसे वाले हो गए, और जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब हो गए। चलो, इसके लोकसभा चुनाव हैं, आप किसे वोट देना चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं? देखो जी, किसी भी पार्टी में हर आदमी बुरा नहीं होता, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, वो हाथी बड़ा हो, कुछ लोग गंदे हैं। मेरे हिसाब से कईयों को बात बुरी लगेगी, सबसे बड़ा गंदा बंदा है मोदी। आधा देश बेच दिया उसने, एयरपोर्ट बेच दिए, बस स्टैंड बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, जो कि सरकारी होने चाहिए, ठीक है। और नोटबंदी का जो था वो सरदार मनमोहन सिंह टाइम में जो बातचीत चल रही थी, इन्होंने करने नहीं दी, अब आके अपने सिर पे सेहरा बांध लिया कि हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया। करा क्या इन्होंने? एक भी काम अच्छा नहीं करा मेरे हिसाब से। सारे लोग रो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ वाले रो रहे हैं, रिक्शा चालक भी रो रहे हैं, और जो पीछे किसान आंदोलन अब नहीं, जो पीछे लगा था, ये लोग जो किसी के दिमाग में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, वो थोड़ा बहुत ये राजनीतिक लोगों ने ही दिमाग में डाल रखा था कि जो हिंदू है, जो सिख है, लेकिन वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए। वो मुसलमानों ने भी बोला, हिंदुओं ने भी बोला, ईसाइयों ने बोला भी हम कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, हम सब एक साथ हैं, हम एक इकट्ठे हैं, हमारा भाईचारा एक है। वहाँ पे आप गए होंगे, देखा होगा, मुसलमानों ने लंगर लगाए, हिंदुओं ने लगाए, क्रिश्चनों ने लगाए, हर धर्म ने आके होके किसान आंदोलन में सेवा करी, लेकिन वो सब इकट्ठे हैं। कहते हैं ये जो हैं बंडियाँ पा रखी हैं, लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये सारे धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं। जैसे कि एक आतंकवादी संगठन है PFI,
उसकी एक पॉलिटिकल विंग है CFI, जो कि PFI को आतंकवादी संगठन नाते उसे बैन कर दिया गया है, और कांग्रेस के कुछ सेकुलर नेता, कांग्रेस सरकार उसे सपोर्ट कर रही है जो देश के लिए घातक है, उसे कहाँ तक सही मानते हैं? देखो जी, पार्टी जड़ी है कोई माड़ी नहीं है, मैं पहले भी गल की है। मैंने पार्टी नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस और सेकुलर नेता कहाँ तक सही हैं? वो जी जो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो तो चलो गलत ही है, वो सभी पार्टियों में ही है। अब जो मेरे हिसाब से देखो, योगी जी हैं और जो गौ हत्या हो रही थी, मैं कहना सबसे बड़ा गंद निकाला उन्होंने हिंदू धर्म की, जो गायों को माँ माता मानते हैं, सब धर्म में माता मानते हैं गौ माता को, लेकिन कितनी गऊँ कटती थी, क्या कुछ नहीं करा उन्होंने वहाँ पे। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिख धर्म के लिए जो किया है वो शायद पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ये कहाँ तक सही है? देखिए जी, बीजेपी भी आ जाए हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन मोदी को सीट से हटाना चाहिए। ऐसा क्यों? मैंने आपसे पूछा कि जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिख धर्म के लिए जो किया है वो आज तक पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो कहाँ तक सही है? अब ये देख लो, आता था ऑर्डर सारा सेंटर से ही है, यहाँ पे 20-20 हज़ार के चलान हो रहे हैं, चाहे हिंदू आ रहा है गुरुद्वारे मत्था टेकने, चाहे सिख आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, स्कूटर पे आ रहा है, कोई आदमी स्कूटर मांग के लेके आ रहा है, किसी का 20 हज़ार का चलान मिल रहा है उसको, ये कहाँ के संविधान है, ये कहाँ का है, ये तो गुरुद्वारे भी खत्म करना चाहिए। एक बात तो आपकी जो है, मैं सहमत, मैं कुछ ना पढ़ा लिखा हूँ, ना कुछ हूँ, ना राजनीति में, आप हमारे बुजुर्ग हैं। जब आपने कहा ना कि मोदी जी ने सिखों के लिए, उनकी मैं इस बात की तारीफ करूँगा कि वो गुरु तेग बहादुर साहब के दर्द पे पिछले, आपने देखा होगा पिछले साल आके वो बिना सिक्योरिटी के गुरुद्वारे में मथा टेक के, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज तक इंदिरा, वो तो स्वर्ण मंदिर भी जाते हैं और भी हमारे गुरुद्वारों में जाते हैं बिना सिक्योरिटी के। यहाँ नहीं देखो, यहाँ की मैं आपने यहाँ का पूछा तो मैंने आपको बताया, मैं उनको इस बात की बधाई देता हूँ। दूसरे मैं मोदी जी को यही कहूँगा कि जो बुजुर्ग आदमियों को सीनियर सिटी रेल में देता था वो सारा दोबारा वापस दे दिया गया। उसके ऊपर आपको इसके बोलना चाहिए कि जो गाड़ी में रेलों में सफ़र करते हैं हम दो, तो पहले 30-35% था, वो सारा पूरा 100% देना पड़ता है, इसके ऊपर एक्शन है। लेकिन मोदी जी ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दंगे फसाद तो गुजरात में भी हुए, दिल्ली में भी हुए, उसमें उन प्रधानमंत्री का दोष नहीं होता, कुछ चंद लोग गलत होते हैं वो ये दंगा फसाद करते हैं। हम सबसे यही दुआ करेंगे कि आपस में भाईचारा बना कर हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और ये जो खून ब्लड है हमारा, ये तो एक है, तुम्हारा पीला नहीं है, इसका लीना नहीं है, है तो सबका लाल ही है ना, ये तो आप मानते हो ना। अंकल, आप मानते हैं कि हमारे देश में दोबारा से मोदी जी की सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि वो ठीक है, वो मैदानी जो बड़े लोग हैं उनके साथ उसका जो भी है हिसाब किताब, उसमें हम ना सोच सकते हैं, ना जा सकते हैं। आप कहाँ से आए हो? सीमापुर। कि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, आप किसे वोट करेंगे? क्या आप चाहते हैं तीसरी बार हमारे देश में मोदी जी की सरकार आनी चाहिए? बार नहीं, हर बार मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। ऐसा क्यों? काम करते हैं देश के लिए। ऐसा क्या काम किया है? काफ़ी सेक्टर्स में काम किया है। जैसे कि देर आर मैनी सेक्टर्स लाइक इकोनॉमिक, दे बिल्ड अप अवर इकोनॉमिक ऑल्सो, और बाहर देशों में रिलेशनशिप और बिल्ड कर रहे हैं, जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो वो माध्यम है वो और ईजी हो सकता है। जैसे कि मोदी जी पे एलिक्शन, तमाम तरह के एलिक्शन लगाए जाते हैं, वो कहाँ तक सही है? एडिक्शन तो हर किसी पे लगाए जाते हैं, कोई कह नहीं। राहुल गांधी का दूसरा नाम क्या है? छूतिया। आप कहाँ से आए भैया? बिहार से भाई। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, आप किसे वोट करेंगे और किसकी सरकार चाहते हैं? मत मेरा अपना मतदान है भाई, जिसको मतदान करूँ वो, या मीडिया को या यूट्यूबर को या किसी को बता के करूँ मैं, जिसको फलाने बंदे को मतदान करना मेरे को। आप सरकार किसकी चाहते हो? मेरी अपनी चॉइस है, जिसको पसंद करके लाऊं, जो अच्छा काम करेगी उसको लेके आएंगे। चलो थैंक यू। हम इंडिया को लेके। आप अंकल कहाँ से आए हैं? बिहार से। हमारे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो इंडिया की सरकार चाहते हैं। इंडिया में तो है, इंडिया गठबंधन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मोदी की सरकार जो है बहुत जुल्म कर रही है, हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ लड़ाई झगड़ा, प्रेम मोहब्बत खत्म हो गया है देश का। इसके पहले देश में इतना प्रेम भावना था,
और उनकी ताजिया में मुसलमान के ताजिया में हिंदू जाते थे और इनके होली में हिंदू आते थे, अब सब नहीं, नफरत ही नफरत फैला दिया। इंडिया गठबंधन PFI का सपोर्ट करता है जो कि PFI एक आतंकवादी संगठन है, क्या आप चाहते हैं ऐसे लोगों की सरकार आए जो आतंकवाद को समर्थन करती है? नहीं, किसने कहा कि PFI का सपोर्ट करता है, हरगिज नहीं, सब झूठ बात। उनके नेताओं के बयान है कि PFI को हम समर्थन करते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात तो हमने नहीं देखा PFI भी सपोर्ट करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, आतंकवादी कहते हैं तो सबसे बड़ा आतंकवादी तो RSS है, और ये लोग हैं, ये लोग गलत सलत कामें करते हैं, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, बर्बाद कर दिया, इसलिए कहता हूं कि ये दंगा कर रहा। RSS किस बात से आतंकवादी है मुझे बताओ? इसलिए कि वो इनकी साथ देती है और नजायज काम करती है। RSS के कहने पे हमारे प्रधानमंत्री जो BJP के आदमी है, जितने RSS कहने पे चलते हैं उसकी बात मानती है, संगठन उसकी है भाई। जो भी खतरनाक जो स्टेप लेते हैं सब ये BJP और RSS तो एक ही है, और क्या है, एक शेर है मेरा, ये दंगा कराते हैं सिर्फ वोट के लिए, हिंदू को हिंदुत्व बनाते हैं सिर्फ वोट के लिए, बड़ी शातिर हैं बच के रहना इनसे, ये कानून बनाते हैं सिर्फ वोट के लिए। 2014 से पहले BJP नहीं थी तब भी दंगे होते थे? होते थे, काम होते थे, लेकिन अब तो बहुत बड़ा, अब तो नफरत ही नफरत है, पहले तो कम थी हर जमाने में था ये बात, लेकिन पहले कम थी, लेकिन इस जमाने में ये मोदी की सरकार में बहुत ज़्यादा हो गया है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए मोदी हटाओ और देश बचाओ। आप कहाँ से आए? बाहर के, हम तो UP के। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट करेंगे? हम तो कर ही आए, जैसा करना है सर। किसे वोट करेंगे, किसकी सरकार चाहते हैं? अब क्या वो जो हो, जिसकी भी आ जाएगी जिसकी भी आवे कर आए गठबंधन को वोट, बस अब किसी की भी आवे, हमें तो वोट करने से मतलब है। गठबंधन सरकार PFI को सपोर्ट करती है जो कि आतंकवादी संगठन है, क्या वो सही है? हम तो जानते ना, आज ही किसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो वोट डालने से मतलब, हम इतनी बात, वोट डालने से मतलब है, आप कहाँ से आए हो? किटोर। आपका नाम क्या है? 2024 में लोकसभा चुनाव है बेटा, तो किसकी सरकार आनी चाहिए? जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। तो बता दो यार, बड़े होने के बाद वोट डालोगे? तो अभी बड़ा तो हूँ, अभी तो डालूंगा वोट, अभी बता दे। अच्छा, अब बड़े हो गए क्या बनना है? पता नहीं, अभी सोचना है। सोचना, सोच। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। तो हमारे देश में 2024 को लोकसभा चुनाव है, आप तीसरी बार किसकी सरकार चाहते हैं? देखो, BJP की आनी, उसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है, सको सवाल, क्योंकि मोदी जी ने जो सराहनीय काम किए हैं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, और तिरंगे की आदमान शान के लिए इंटरनेशनल फलक पे काम किए हैं, तो वो काम देखिए, उन्होंने अभी जो घोषणा पत्र है था, वन नेशन वन इलेक्शन, NRC लाना और UCC लागू करना उत्तराखंड में, तो 35A, 370, 3 तलाक, राम मंदिर, ये जो काम करना, राम मंदिर मोदी जी ने नहीं दिया है, राम मंदिर कोर्ट ने दिया है, और जो राम मंदिर बना है पब्लिक के पैसे से बना है, पब्लिक से पैसे बना है, लेकिन देखो BJP की नींव है ना, वो हिंदुत्व और राम मंदिर से BJP पार्टी की एम्पायर खड़ा हुआ, जब दो सीट आती थी ना, लखनऊ एक, मेहसाणा AK पटेल, तब BJP कुछ नहीं थी, आज जो वोट बैंक और नेता है ना, वो सारे के सारे कांग्रेस के वोट बैंक थे, कांग्रेस के नेता। शायद आप गुजरात के हैं, आपको पता होगा अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर की जमीन है, वो BJP के नेताओं ने एक मुसलमान को बेच दी। देखो, उनके महंत थे दिलीप दास जी, और ये एक स्कैम हुआ है, पता है, हम उनका समर्थन में, सही बात है, ऐसा स्कैम सामने आया। आप मानते हो स्कैम हुआ, ये सही है गलत है? नहीं, ये गलत है, स्कैम कहीं भी किसी भी पार्टी में हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कोई किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, कि लेकिन जो काम किए गए हैं मोदी जी के द्वारा वो बहुत अच्छे काम है, क्योंकि अभी विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि राहुल जी हैं, राहुल जी का दिक्कत क्या करता है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद उनके पार्षद MLA MPs ने भाजपा जोड़ो यात्रा कर दी, तो ऐसे इतना वीक होना, क्योंकि राहुल जी के लिए राजनीति नहीं बनी और राजनीति न राहुल जी के लिए, तो उनको पॉलिटिकल मैच्योर और बनना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष में अगर विपक्ष कमजोर है तो भाजपा के नेता मनमर्जी काम करते रहेंगे? नहीं, विपक्ष को कमजोर है तो उनको मजबूत होना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो उनकी कोई बयानबाजी होती है, जैसे कि 22 प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था तो क्या बोला था राहुल जी ने कि पॉलिटिकल इवेंट है, भाई पॉलिटिकल इवेंट कैसे होगा, आपको भी सियासत करने का मौका मिला था तो आपको भी पॉलिटिकल इवेंट बनने का मौका मिला था, कर देना चाहिए था, तो कहीं पर क्योंकि 26 वकीलों की फौज खड़ी सोनिया जी ने कर दी थी, तो चीज़ें उनको समझनी चाहिए कि उनको रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि विपक्ष को कमजोर होना भी। 2014 से पहले कांग्रेस राजी था, कितने टाइम उनको मिला, पूरी जब से आजादी हुई है कांग्रेस ही थी, उनको इतना उन्होंने क्यों नहीं किया? अभी 4 सालों में
सूरत में और अहमदाबाद में बीजेपी के नेताओं ने हिंदू धर्म की जमीन, मंदिरों की जमीन मुसलमानों को बेची है, ये कहाँ तक सही मानते हैं? क्या ये पॉलिटिकल स्कैम नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो, क्या ये हिंदू सनातन धर्म का अपमान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अपमान है, लेकिन ऐसे ओवरऑल देखा जाए जो काम किए हैं, जैसे कि अभिनंदन जी को कुछ ही घंटों में पाकिस्तान से वापस लाना, कतर से बच्चों को वापस लाना, 8 नेवी वेटरन्स को कतर से वापस लेना, पता है ना, यूएई में खुद के सिटीजन को भी अगर मृत्युदंड की सजा दी जाती तो वापस नहीं ले जाए। तो इसकी आड़ में सनातन धर्म की सारी प्रॉपर्टी बेच खाओ? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्यों बेचेंगे? लेकिन ओवरऑल ऐसा देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए कि जैसे कि किसान निधि राशि में 2,000 किस्तों में 6,000 आते हैं, वो तो किसान के खाते में जाते। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, उसका लाभ सबको मिलता। वंदे भारत ट्रेन, पहले आपको पता है कि स्पेस शटल स्पेस जाता था ना तो करियर रेसेसी यूज होता था, अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में होता है, तो कम उपलब्धि है क्या? डीआरडीओ फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एमओयू कर रहा है, तो कम उपलब्धि है क्या? चंद्रयान 3 दे लो, वंदे मातरम, तो ये नितिन गडकरी का मंत्रालय देख लो, या जयशंकर का, आसमानी वैष्णव, मनसुख मांडविया का हेल्थ मिनिस्ट्री, तो इतनी मिनिस्ट्री अच्छी चल रही है। हाँ, मैं बोला ना कि 14 में आए तो उनको नहीं खड्डे भरे, दूसरे में नया भारत और तीसरे में